हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एल्बम क्विकर के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 1500 रुपीज़ यानी 1500 रुपये के सॉफ्टवेयर से आप कैसे एल्बम ऑटोमेटिक बना सकते हैं। पूरी एल्बम जो है आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। जैसे सम टाइम क्या होता है कि हमें फास्टली एक पूरा एल्बम तैयार करना होता है, ठीक है, और उसमें हमें कोई ऑटो फीचर चाहिए होता है जिससे हम ऑटोमेटिक पूरा अपना एल्बम तैयार कर सके। तो एल्बम क्विकर में ये ऑप्शन आपको मिलता है। ओनली 1500 रुपीज़ का ये सॉफ्टवेयर है। इसमें आप पूरा अपने स्टाइल से एक एल्बम बना सकते हैं और बहुत सारी इसमें फीचर्स हैं, और हर फीचर का वीडियोस आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और भी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं हमारे चैनल पे, आप चाहें तो चैनल के अंदर जाएंगे वीडियोस सेक्शन में तो आपको वो वीडियोज़ मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो एल्बम फीचर्स के बारे में जो यहाँ पे है, ठीक है। मेक फॉर ऑटो और ऑटो एल्बम, ये दोनों क्या है बटन्स, और इसका कैसे यूज़ करके आप ऑटोमेटिक अपना एल्बम बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए जो टेम्पलेट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसे आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपने मार्केट से कुछ PhD लिया है और उसे आप ऑटोमेटिक तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, पूरा एल्बम आप उस टेम्पलेट्स को यूज़ करके ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको करना क्या होगा। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ मेरे पास पेजेस हैं, यहाँ पे शीट्स हैं, ठीक है। ये शीट्स को मैं ऑटोमेटिक यूज़ करना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये 10 शीट्स हैं मेरे पास, इन सारे शीट्स पे मैं ऑटोमेटिक एल्बम बना सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन सारे शीट्स को ओपन करना होगा फोटोशॉप में, ठीक है। एक साथ हम इसे ओपन कर लेते हैं, हम चाहे तो यहाँ ओपन की बटन से भी ओपन कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि हमारी शीट्स फिक्स भी हो जाएंगी। ओके, तो हमने इसे ऐसे ही ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसे कन्वर्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। ये जितने भी PhD हैं हमें उन्हें कन्वर्ट करना होगा। वन टाइम कन्वर्ट प्रोसेस है, एक बार आपने कन्वर्ट कर लिया उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप जितने बार भी चाहें इसे अलग अलग एल्बम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एक ही टेम्पलेट में आप 3-4 बार अपने जितने भी बार आप चाहें उसमें आप यूज़ कर सकते हैं अपने एल्बम में, ठीक है, ऑटोमेटिक यूज़ के लिए। तो फर्स्ट आपको एक बार कन्वर्ट करना होता है, तो कन्वर्ट कर लेंगे। और कन्वर्ट करने के बावजूद भी अगर आप मैनुअली भी इसे यूज़ करना चाहें तो मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई चेंजेस नहीं होती है, ठीक है। सिंपली बस वो ऑटोमेटिक पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको कि जितने भी फोटो फिल करने के लिए एरिया हैं टेम्पलेट्स में, जैसे कि ये है फ्रेम मास्क और फ्रेम्स वगैरह, जो भी मास्क वगैरह फ्रेम्स वगैरह हैं आपको उसे सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले इस तरीके से शिफ्ट बटन दबा लीजिए और यहाँ से शो ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल दोनों को चेक रखिए, जिससे आप इजिली सेलेक्ट कर पाएँ और आपको पता चले कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसको सेलेक्ट किया, इस फ्रेम को, अब हम शिफ्ट की जो है कीबोर्ड से होल्ड किए रहेंगे, उसके बाद अदर जो लेयर्स हैं उसे सेलेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब ये सारी की सारी लेयर हमने सेलेक्ट कर ली, फ्रेम सेलेक्ट कर ली, मास्क सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमें यहाँ पे मेक फॉर ऑटो पे क्लिक करना है। हम जिस जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये आपका कन्वर्ट करेगा शीट्स को, ठीक है, और उसे सेव भी कर देगा और क्लोज भी करा देगा। जैसे देखते हैं हमने क्लिक किया, कन्वर्ट हुआ, क्लोज हुआ और सेव भी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम इसे भी कर लेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, मेक फॉर ऑटो, ठीक है, सबको सेलेक्ट करेंगे, फ्रेम्स को, मास्क को, मेक फॉर ऑटो, ठीक है, सब ऑटो करके सेव कर देगा और उसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने ऑटोमेटिक एल्बम क्रिएशन के लिए, ठीक है। सारे फ्रेम्स मास्क को सेलेक्ट किया, मेक फॉर ऑटो पे क्लिक किया, सेव। ये वन टाइम प्रोसेस है, एक बार आपने कर लिया तो समझ लीजिए आगे आप जितना चाहें उतना इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑटोमेटिक एल्बम बनाने के यूज़ के लिए। मेक फॉर ऑटो, सेलेक्ट किया, मेक फॉर ऑटो, सिंपल प्रोसेस है। इससे क्या है कि आप अपने मार्केट के जो भी आप टेम्पलेट्स लेते हैं, अगर आप फेयर वगैरह में भी जा रहे हैं फोटो फेयर में, वहाँ से भी उठाते हैं टेम्पलेट्स, या कहीं से आपने ऑर्डर किया है तो वो टेम्पलेट्स को आप इसमें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। चाहे किसी भी प्रकार के टेम्पलेट्स हैं उसे आप ऑटोमेटिक एल्बम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा सारा का सारा टेम्पलेट्स क्लोज हो गया, कन्वर्ट हो गया है। अब उसी टेम्पलेट्स को हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने रखा हुआ है इसे, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये टोटल टेम्पलेट्स है, ऑटो शीट्स बन गए हैं अब इसके, ठीक है, कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे ऑटो एल्बम जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद ये क्या पूछ रहा है, देखिए सेलेक्ट अ फोल्डर ऑफ फोटोज टू प्रोसेस, ठीक है। आपको आपको जो फोटोज़ हैं, जैसे कि मैं इसी फोल्डर को मैं अभी कैंसिल करता हूँ, और ये जो फोटोज़ मैंने यहाँ रखे हुए हैं मैं इसी पूरी फोटोज़ को यूज़ करूँगा ऑटोमेटिक एल्बम बनाने के लिए, मुझे इसी पूरी फोटोज़ को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं मेक फॉर ऑटो पे क्लिक करूँगा,
और उसके बाद मैंने जहाँ भी रखा है अपने फोटोज़ पूरे उसे सेलेक्ट कर लूँगा। आप क्या करें कि जब आपको ऑटो एल्बम बनाना हो तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे लोड कर लें सारी फोटोज़, और उसके बाद फुल स्क्रीन करके आप अपनी फोटोज़ को पहले रोटेट कर लें। मान लीजिए बाई चांस आपका इस टाइप का जैसे फोटो है वो रोटेटेड है, ठीक है, तो आप उसे पहले यहाँ से अपना रोटेट कर लें, ठीक है, सीधा कर लें सारे फोटोज़ को। उसके बाद आप बस उसी फोल्डर को सेलेक्ट करें और ऑटो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रोटेट रहेगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। ऑटो एल्बम पे हमने क्लिक किया, उसके बाद अपना दिस पीसी, उसके अंदर मेरा जो भी जहाँ फोल्डर है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो हमने अपना फोल्डर सेलेक्ट किया, ओके किया। उसके बाद बोल रहा है सेलेक्ट अ फोल्डर फॉर आउटपुट एल्बम, ठीक है, फॉर द आउटपुट एल्बम। तो हम यहाँ पे अपना डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं, इसको रिनेम कर लेते हैं, लिख देते हैं माई एल्बम, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिसका वेडिंग है उसके नाम से भी बना सकते हैं फोल्डर, कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप ओके करेंगे। अब क्या बोल रहा है, देखिए आपका कोई भी टैंपलेट यहाँ ओपन नहीं है। उसके बाद अब आपसे टैंपलेट्स मांग रहा है, ठीक है, जो हमने टैंपलेट्स यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर रखे हैं, वो हमारा यहाँ सामने आ गया, ठीक है। अगर नहीं है तो आप उस फोल्डर में चल जाइए और ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। आप थंब व्यू कर लीजिए और थंबनेल में आपको शो करेगा। अब क्या करना है कि आप यहाँ से जो भी टैंपलेट्स को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब मैं मान लीजिए ये वाला टैंपलेट यूज़ करना चाहता हूँ, ये फर्स्ट वाला, मैंने डबल क्लिक किया। अब देखिए टैंपलेट लोड हुआ और इसमें प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सारी फोटोज़ ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगी, हमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। इससे क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप आपका, आप जो चाहते हैं जो टैंपलेट यूज़ करना चाहते हैं तो सीरियल वाइज वही टैंपलेट यूज़ होगा और ऑटोमेटिक आपका एल्बम तैयार होता जाएगा। अभी देखिए वो फर्स्ट वाला जो था वो क्लियर हो गया, बन गया, और ये देखिए ना इसमें नंबर भी रखा गया है और ऑटोमेटिक ये जो हमारा PSD है सेव भी हो गया है, ठीक है, ये एल्बम सेव भी हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में। तो अब हम दूसरा टैंपलेट को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये वाला मैंने यूज़ किया, मैं इसको चाहूँ तो दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। अब इसमें प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हो गया। आप देख सकते हैं ये दो नंबर सेव हो गया। हम ये दो नंबर वाला अब यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें जहाँ जो यूज़ करना है, जितने सीरियल वाइज हमें जो जो यूज़ करना है हम सब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं ये वाला यूज़ करूँगा, ये वाला, जैसे ही हमारा पूरा फोटोज फिल हो जाएगा उस टेम्पलेट पे तो हमसे दूसरे टेम्पलेट मांगेगा, ठीक है। तो हमने अपना दूसरा टेम्पलेट सेलेक्ट किया, ये स्टेप बाय स्टेप हमारा एल्बम तैयार हो रहा है ऑटोमेटिक मोड पे। अब देखिए आपको मैं सेम वही वाला यूज़ करके दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है अभी, ठीक है। ये वाला मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, फिर भी मैं इसे दोबारा यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछेगा, स्टेप बाय स्टेप आप अपना अपने हिसाब से जो जो आपको यूज़ करना है टेम्पलेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरा मेरे को पूरा नहीं बनाना है, मुझे यहीं पे स्किप करना है, तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा क्लोज, और ये हमारे यहाँ पे जितना हमने बनाया ये पूरा बन के हमारा यहाँ पे सामने आ गया। अभी देखिए ये सारे के सारे आपके सामने बन के आ गए हैं और ये सब के सब डॉक्यूमेंट जो हैं, जो टेम्पलेट्स हैं, ये ओपन भी हैं, ठीक है। फोटोज़ फिल भी हो गए हैं इसमें और सारी की सारी एल्बम्स ओपन भी है। इसमें जो भी आपका पूरा एल्बम बनता रहता है वो ऑलरेडी ओपन रहता है, यहाँ पे क्लोज नहीं होता है बना करके। आप चाहे तो यहाँ फाइल और क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी क्लोज हो जाएगी, या क्लोजो पे क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हैं तो इससे भी आपका क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये जो आपके टेम्पलेट्स इसने बनाए हैं ये सेव भी कर दिया है इसने, मैं दिखाता हूँ आपको, मिनिमाइज करते हैं। ये देखिए हमने फोल्डर बनाया था यहाँ पे आउटपुट के लिए, ठीक है। अभी जो भी हमारा बना है वो यहाँ पे सेव भी हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। और ये आपका जो फोटोशॉप है, फोटोशॉप में ओपन भी है हमारे सारे एल्बम। इसमें बेनिफिट क्या है कि जैसे कि कम्प्लीटली एल्बम बनने के बाद क्या होता है, अभी जैसे ये देख सकते हैं ये सेंटर में फिट हुआ है और इसकी वजह से फोटो ऊपर है, ठीक है, मुझे मूव करना है तो हमें सारी एल्बम को दोबारा ओपन करना पड़ता है, फिर उसे चेक करना होता है, और फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमें कोई फोटो रिप्लेस कराना है, स्वैप कराना है, ठीक है, वो सब हमें करना होता है, तो उसके लिए हमें दोबारा पूरा ओपन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी ओपन रहेगा तो इससे प्रॉफिट ये होगा कि हम उसे सिंपली अपना जो भी एडजस्टमेंट करना है उसे हम करें, करने के बाद जैसे कि हमने इसे एडजस्ट कर दिया अपने हिसाब से, ठीक है, रिसाइज करना है, उसके बाद कोई इफेक्ट भी लगाना है या कुछ एडजस्टमेंट करनी है, यहाँ से कोई मास्क वगैरह चेंज करना है, पूरा ऑटोमेटिक करने के बावजूद भी, ठीक है, मैंने सब एडजस्ट कर दिया, उसके बाद मुझे सब कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूरा ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए तो फोटो मेरे को यहाँ पे स्वैप करने हैं, ठीक है, इसके जगह ये फोटो लगाना है, ठीक है, या फिर मैं इसके जगह मान लीजिए ये वाला फोटो स्वैप करना चाहता हूँ, दोनों को मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे फोटोज़ में आया और मैंने स्वैप पे क्लिक किया, अब दोनों फोटो स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं दोनों फोटो स्वैप हो गए, तो इसमें ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आपका सारा का सारा एल्बम ओपन रहता है, कि बाद में आपको दोबारा ओपन नहीं करना पड़ेगा। आपने सारा मतलब जो एडजस्टमेंट करना था कर लिया और उसके बाद आप यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल एस दबाएंगे या फिर फाइल्स में जाएंगे और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस, ओके किया और ये हमारा सेव हो गया, ठीक है, हम इसे क्लोज कर सकते हैं अब।
और सेव होने के बाद वो कहाँ जाएगा, इसी में ओवरराइट होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको सेव कर रखा है। अब देखिए ये यहाँ पे आकर के सेव हो गया है, ठीक है, इसी में सेव हो गया। तो ये बेनिफिट रहेगा कि आपको दोबारा उसे फिर से लोड नहीं करना है, क्योंकि जो PhD पूरी एल्बम होती है, पूरी PhD ये फाइल होती है, बहुत बड़ी साइज की होती है, और दोबारा फिर से लोड करना बहुत टाइम इन्वेस्ट करना हो जाएगा, ठीक है, और आपको लोड करना ही पड़ेगा, ठीक है, हल्की फुल्की एडजस्टमेंट करने के लिए, सब कुछ देखने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो काम आपका इजीली आ रहा है। आपको अगर सारी की सारी क्लोज ही करनी है तो आप डायरेक्टली पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फाइल पे जाएंगे और क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे, सबका सब क्लोज हो जाएगा, आपसे कुछ नहीं पूछेगा यस नो, क्योंकि ऑलरेडी सेव है, ठीक है। हमने सब कुछ सेट किया और मुझे यहाँ पे कुछ एडजस्ट करना है, या फिर मेरे को ये जो टैंपलेट मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखी है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक PNG लगा देता हूँ मान लीजिए, ठीक है, मैंने PNG लगा दिया, थोड़ी बहुत मेरे को उसमें एडजस्टमेंट करनी थी, ठीक है। और उसके बाद मेरे को ये बैकग्राउंड चेंज करना है, क्योंकि ये टैंपलेट मैंने ऑलरेडी कहीं यूज़ किया था, तो मुझको इस वाले का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो सब कुछ ओपन है ऑलरेडी, आप जो बस चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं चेंज, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये वाला बैकग्राउंड लगा दिया, ठीक है, और ये हमारा एक यूनिक टैंपलेट बन गया। उसको हमने कंट्रोल एस दबाया, सेव हो गया, ठीक है, क्लोज कर दिया। इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, मैंने अपना सेट किया पोजीशन, ठीक है, मेरे को स्वैप कराना है मैं स्वैप करा सकता हूँ, मूव कराना है मूव करा सकता हूँ, कंट्रोल एस किया, इसे डू नॉट शो पे अगेन पे क्लिक कर देंगे तो बार बार शो नहीं करेगा, ठीक है, क्लोज कर दिया। इसमें कुछ एडजस्ट करना है, फोटो को दोनों को स्वैप करना है, स्वैप भी कर सकते हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया, फोटोज पे गया, स्वैप पे क्लिक किया, दोनों फोटो स्वैप हो गए। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से पूरा एडिटिंग कर सकते हैं, एल्बम बना सकते हैं अपनी स्टाइल का, और वो भी ऑटोमेटिक वे में, तो ये बहुत ही यूनिक एल्बम बनेगा। आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि कुछ अपने तरफ से भी उसमें एडिटिंग करें, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि एकदम सेम टू सेम अगल बगल आपने जो एल्बम दिए हैं शादी के, दोनों के सेम टू सेम लगे, तो थोड़ा बहुत आपको अपने से भी एडिटिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए आपने पूरे अपने स्टाइल के साथ ऑटोमेटिक वे में एल्बम बनाया, ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कुछ ऐड कर लिया मान लीजिए, तो ये आपको ऑप्शन इसे यहाँ पे मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, फटाफट एल्बम भी तैयार हो जाएगा और इसको अपने स्टाइल से भी बना पाएंगे। सेव किया, कंट्रोल एस दबाना है सिर्फ और सिर्फ, सेव हो जाएगा आपका। आपको सेव का पाथ लोकेशन नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी आपने दे रखा है, ठीक है, बस कंट्रोल एस दबाना है, परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी हल्का फुल्का मूव करना है सब, जब अगर कोई टैंपलेट में सब कुछ आपको परफेक्ट लग रहा है बस उसे क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस किया, सेव हो गया, क्लोज किया, इसमें मेरे को सब कुछ सही लग रहा है, इधर थोड़ा सा सही लग रहा नहीं है, बस मैंने सेट किया, कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। मेरे को इसमें थोड़ा लाइट लीक देना है, मैंने लाइट लीक में गया, बुके लाइट इफेक्ट कोई भी चीज़ आपको देना है, डबल क्लिक किया, लाइट लीक इस पर आके लग गया, उस पर इफेक्ट हमें जितनी रखनी है यहाँ से हम सेट भी कर सकते हैं, और इसे हमने अप्लाई किया और सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, और उसके बाद ये हमारा यहाँ पे आ गया, ये भी एकदम सब कुछ परफेक्ट है, बस यहाँ पे ये फ़ोटो मेरे को थोड़ा सा नीचे करना है, मैंने नीचे किया, कंट्रोल एस किया और सेव हो गया। सब का सब सेव हो जाने के बाद अब देखिए अब हमारा क्या हुआ कि हमें दोबारा अब ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कम्प्लीटली रेडी है, और कम्प्लीटली एक मतलब कि ऑटो वे में, एक यूनिक वे में आपका स्टाइलिश तरीके से, आपकी स्टाइल, आपकी ओन स्टाइल से एक एल्बम तैयार हुई पूरी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब ये पूरा आपका रेडी हो गया एल्बम, उसके बाद अब आपको इसको JPG में कन्वर्ट करना है, ये तो अभी PhD है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए जैसे JPG में कन्वर्ट करना है तो आपको अलग से JPG में सेव करनी नहीं है ओपन करके, आप ये कर देंगे डायरेक्टली यहाँ पे बैच ऑप्शन में जाएंगे और रॉ कन्वर्टर है आप इसको चेक करेंगे और यहाँ पे JPG कर देंगे और अपना इनपुट एंड आउटपुट फोल्डर सेट कर देंगे। जैसे ये मेरा फोल्डर है, ये मैंने सेट कर दिया, और आउटपुट में मैंने एक यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दिया, माई ऑटो एल्बम JPG, ठीक है, और उसे ओके कर दिया। अब मैं यहाँ रन बैच पे करूँगा तो हमारा जो PhD जो टैंपलेट्स हैं वो JPG में कन्वर्ट होकर यहाँ पे सेव हो जाएंगे और उसे हम डायरेक्टली अपना लैब में ले जाके प्रिंट के लिए दे सकते हैं सिंपली। तो हम रन बैच पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये देखिए फटाफट हमारे जो PhD टैंपलेट्स हैं वो कन्वर्ट हो गए। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये JPG में भी आके यहाँ पे
रखा गया हाई क्वालिटी में, हमारा जेपीजी में कन्वर्ट हो गया, हमें फोटोशॉप में दोबारा ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम लेयर में ले जाके डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना इजी वे में अपने स्टाइल में, ये देख सकते हैं हमने कुछ चेंजेस किए थे और पूरा अपने स्टाइल में एक एल्बम पूरा ऑटोमेटिक तैयार किया। तो आप इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो काम करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा और आपकी कस्टमर को भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ उसे यूनिक चीज़ प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपने आज की इस वीडियो में देखा कि आप एल्बम क्विकर सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे इजिली ऑटोमेटिक एल्बम बना सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ओनली 1500 रुपीज़ है, 1500 इज़ नथिंग। ठीक है, आप इस सॉफ्टवेयर को ऑर्डर कीजिए अभी। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उसके बाद वो वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पे अपना डिटेल्स डालिए, उसके बाद आप पे कीजिए 1500 रुपीज़, उसके बाद आपको तुरंत डाउनलोड करने के लिए ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ करने नहीं आता है तो आप मेरा इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मेरे को व्हाट्सअप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अदर डिटेल्स वहीं पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह नहीं यूज़ करते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। और भी किसी क्वेरी के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।